स्वामी जी आज छोटी दिवाली है और फिर दीपावली, भैया दूज और छठ, एक के बाद एक कई सारे त्योहारों का मेला है ये। ऐसे में लोगों का खुद पर से कंट्रोल ही छूट जाता है। अब जहाँ जाएं, जिनके घर जाएं या जिनके स्वागत में आप खड़े रहें, सबको मीठा खिलाना, अब नमकीन पारे खिलाना, खानों की तो पूरी ऐसी टेबल सजी रहती है, कोई चाहता भी है तो अपने आप को रोक नहीं पाता, तो जमकर खाना पीना होगा। तो स्वामी जी, शुगर और बीपी को कंट्रोल रखने के 5 ऐसे उपाय बता दीजिए कि खाना पीना साथ साथ और सेहत भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। खाने पीने में फिर हमारे शरीर के अंदर जो है, यदि कोई तकलीफ बढ़ जाती है तो फिर वो खुशियों में ना फिर एक अलग प्रकार की चीज़ों की दखलंदाजी हो जाती है। तो इन सबको बेदखल कर देना है, बीपी शुगर आदि को, जिससे कि हमारे त्यौहार में फिर ये बाधाएं आकर के खड़ी ना हो जाएं। इसके लिए एक तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये तो दो लंबे करने ही करने हैं। लिवोग्रिट लिवामृत का सेवन करें थोड़ा, जिनको कब्ज है थोड़ा अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है कुर्जारिष्ट, क्योंकि मीठा खाने से ये फ्लोटर्स बहुत होते हैं, फिर ये लोगों को बार बार दस्त जाने की समस्या, कोलाइटिस, आँव संग्रहणी का रोग। तो कब्ज होने पर अभयारिष्ट, दस्त होने पर कोलाइटिस, म्यूकस आम होने पर कुर्जारिष्ट, कुटज घनवटी, ऐसे छोटे छोटे उपाय तो करें। और हाँ, सुबह सुबह अनार और सेब ज़रूर खा लिया करें। देखो, कुछ लोग कहते हैं हम तो चॉकलेट खाएंगे, उसमें मिलावट नहीं, उसमें तो 50% अनहेल्दी फैट है। तो ये बाकी मिठाइयों में तो चलो 25-30% घी तेल होगा, उसमें तो 50% है। अभी मैंने देखा एक कंपनी ने, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए, ऐसे प्यारे प्यारे स्लोगन डाल डाल करके और लोगों को अपने मोहपाशों में, अपने माया जाल में फंसाते हैं। इसलिए घर पर मिठाई बनाएं सबसे बेस्ट है, और कम खाएं, और उसको बचाने के लिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन भी करते जाएं। संयम, मर्यादा, अभी राम जी का जिक्र कर रहे थे, मर्यादा तो रखनी पड़ेगी, मर्यादा का बांध, संयम का बांध टूटना नहीं चाहिए, फिर कोई खतरा नहीं होगा। बीपी के लिए मुक्तावटी लौकी का जूस, और शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीट के साथ खीरा करेला टमाटर का जूस अनुपान में। और खान पान में थोड़े दिन हम ATM की सब्जी ही देते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, और उसमें सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार के साथ साथ मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ये सब देते हैं। और मैं तो लोगों की देखता हूँ 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह में, और जिनका पेनक्रियाज पूरी तरह से ठप डैमेज हो गया हो, उनका भी पेनक्रियाज 1-2 माह में एक्टिवेट हो जाता है। ये पेनक्रियाज का पॉइंट, ये बीपी के लिए मुक्तावटी और लौकी का जूस तो बताइए, मुक्तावटी बीपी की जो भी जिसके अनुकूलता, ये बड़ा ज़बरदस्त है ये स्ट्रेस के लिए, और ये पेनक्रियाज के लिए, ये थायराइड के लिए, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा नमक, ये सब थायराइड को भी गड़बड़ करते हैं। उसमें थायरोइड, धनिया का पानी, सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन, और साथ में उज्जायी, ये भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी गला ख़राब हो जाता है पॉल्यूशन में, तो बीच बीच में कर लिया करें। और कंठामृत, लवंगादि, खद्यवटी या मोलाठी, काली मिर्च मिश्री थोड़ा डाल करके चूस लिया करें, उससे भी गला अच्छा हो जाता है। और ये पॉइंट तो स्वामी जी सबको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि सबने अपनी लाइफस्टाइल बिगाड़ रखी है।